400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी की इस चुनाव के अंदर क्या हालत हो गई है, यह जरा आपको समझना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी वो 400 पार छोड़ दीजिए, वो अपने ही लोगों के ऊपर बरसने लगे हैं। और राहुल गांधी अगर एक गलती नहीं करते हैं, राहुल गांधी अगर एक चूक नहीं करते हैं, तो फिर इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 400 पार तो छोड़ दीजिए, 200 के भी नीचे रह सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अडानी और अंबानी को लेकर के राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, उसके करीब करीब 24 घंटे हो चुके हैं। और ये बीते 24 घंटों से लगातार मैं मॉनिटर कर रहा हूं, लगातार मैं देख रहा हूं कि इसका रिएक्शन क्या है। लोग एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, उनका समय बीत चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को खेल में बचाए रखने के लिए, गेम में बचाए रखने के लिए जैसे तैसे जो भी उनको करना पड़े वो करने के लिए तैयार है और वो काम वो कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात पर है कि कैसे भी हो सिर्फ और सिर्फ सरकार बन जाए, इस बात के ऊपर उनका ध्यान है। इसके लिए अडानी को दांव पर लगाना हो तैयार है लगाने के लिए, अंबानी को दांव पर लगाना हो तैयार है लगाने के लिए, कुछ भी करना हो तैयार है नरेंद्र मोदी। लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और उसमें भी खास तौर पर राहुल गांधी की यह सबसे बड़ी परीक्षा है कि क्या वो अपने मुद्दे पर टिके रहेंगे या नरेंद्र मोदी जहां पर लेकर के जाना चाह रहे हैं वहां चले जाएंगे। ये बड़ी बात जो है वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी और मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, राहुल गांधी की परीक्षा है। राहुल गांधी की परीक्षा इस बात को लेकर के है कि नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को अडानी और अंबानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है, अडानी और अंबानी के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश की है। राहुल गांधी अभी तक जाति जनगणना पर, आरक्षण पर, संविधान पर, अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख युवाओं को रोजगार पर, महालक्ष्मी के जरिए महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने पर, युवाओं को पहली पक्की नौकरी देने पर, इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे थे। अडानी और अंबानी पर हर रैली में वो बोलते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को समझनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस देश में चुनाव के अंदर जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, आरक्षण, ये लोगों के मुद्दे हो सकते हैं और लोग इनसे जुड़ते भी हैं, लेकिन अडानी अंबानी लोगों का मुद्दा नहीं हो सकता है और लोग अडानी और अंबानी पर नहीं जुड़ेंगे। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन अभी 2-4 मिनट आप और सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए, आम लोगों को क्या चाहिए, आम लोगों को चाहिए एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी बात जो उनकी जिंदगी में बदलाव ला सके, जो उनकी जिंदगी में फर्क ला सके। आम लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है कि कौन सा उद्योगपति कितने 1000 करोड़ रुपए कमा चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि देश में इस वक्त में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद, अडानी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सही है। लूट सूट बूट की सरकार, राहुल गांधी ने जो कहा वो लोगों तक पहुंचा है, लोग जानते हैं उस चीज को, लेकिन चुनाव का मुद्दा नहीं इसको बना सकते हैं। दो बातें आप समझिए, एक ये शर्ट है, मुझे पहननी पसंद है, मैं पहनना चाहता हूं इस शर्ट को, लेकिन ये शर्ट मेरे लिए जरूरी है या नहीं, ये बड़ी बात है। पसंद होना एक अलग बात है और जरूरी होना एक अलग बात है। जरूरी लोगों के लिए क्या है, संविधान, आरक्षण और महंगाई, बेरोजगारी और राहत, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पक्की नौकरी और महिलाओं को सहायता देकर के, तो ये चीजें हैं जो लोगों को डायरेक्ट लगता है कि जरूरी चीज है। अब
पसंद को तो हर आदमी कहेगा कि मुझे अंबानी की जगह पर बैठा दो, लेकिन वो संभव वाली बात नहीं है। इसलिए पसंद लोगों को लगता है कि हां अंबानी ना रहे और कोई रहे, या फिर हम जो है वो अंबानी जितने अमीर हो जाएं, वो लोगों की पसंद है, लोग चाहते हैं। लेकिन जरूरी वो भी समझते हैं कि जरूरी मुद्दे क्या है, जरूरी मुद्दे ये है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने दरअसल इस पूरे चुनाव को पलटने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी दरअसल इस पूरे चुनाव को, ये जो जरूरी चीजें हैं जिन पर ये चुनाव चल रहा है, संविधान, आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और राहत, ये जो पांच बड़ी चीजें हैं, इन पांच बड़ी चीजों से पूरे चुनाव को लेकर के अंबानी और अडानी पर चिपका देना चाहते हैं कि बात सिर्फ अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी की होती रहे। अंबानी अडानी की बात होगी तो कोई नई बात नहीं है, और अंबानी अडानी की बात होगी तो सबको पता है कि अडानी अगर कल को कांग्रेस की सरकार भी आ जाए तो भिखारी तो बनने से रहा, वो फिर भी उतना ही रहीस है जितना आज रहीस है। हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो जाए, वरना बहुत ज्यादा कुछ जो है उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। उद्योगपति जो है वो इसी तरीके से होते हैं, सरकारें किसी की भी रहे वो अपना एक साइकिल चलाते रहते हैं, ये आम लोग इस बात को समझते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को अब ये देखना है कि वो पांच बड़े मुद्दे, संविधान, आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और राहत, ये जो पांच बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव में पूरा उनका फोकस रहा, उन पर डटे रहते हैं, या अब नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी पर चुनाव को केंद्रित करना चाह रहे हैं, उस पर चले जाते हैं और अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी पर सफाई देते रहते हैं, पूरा चुनाव उसी पर बना देते हैं। देखिए, बात का पलटवार करना जरूरी था जो राहुल गांधी ने कर दिया। अब उसी तरीके से उन चीजों को छोड़ दीजिए, हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल लखनऊ के अंदर राहुल गांधी की बड़ी सभा होनी है और उस सभा के अंदर आरक्षण संविधान को लेकर के, संविधान समिति है एक और उसके प्रावधान में वो सभा हो रही है, तो उसमें आरक्षण और संविधान को लेकर के कल राहुल गांधी अपने जो कोर इश्यू है उसके ऊपर कल बोलेंगे, और कल क्या बोलते हैं देखने वाली बात रहेगी। और जिस तरीके से मायावती जी ने अपने भतीजे को हटाया है, तो उत्तर प्रदेश में कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, कि मायावती जी को लेकर के जो लोगों में अब असमंजस पैदा हो गई है कि मायावती जी बीच चुनाव में ये क्या कर रही हैं, अपने भतीजे को, एक तेज तर्रार उभरते हुए नेता को वो हटा दिया है, अचानक से हटा दिया, उत्तराधिकारी जिसको घोषित किया था उसको साइड कर दिया। तो ऐसे में अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कल कन्नौज के अंदर एक बड़ी सभा करेंगे, उसके बाद कानपुर में एक बड़ी सभा होनी है, और उसके बाद लखनऊ के अंदर, लखनऊ में राहुल गांधी की कल एक मीटिंग होनी है संविधान आरक्षण को लेकर के, और वहां पर संविधान आरक्षण को लेकर के वो क्या कहते हैं कि सुनने वाली बात रहेगी, और मैं भी आपको चैनल के जरिए लाइव वो तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन अब जरा नरेंद्र मोदी की रणनीति को आप समझिए। नरेंद्र मोदी जो है वो चाहते हैं कि भले ही मेरा नुकसान हो जाए, भले ही मेरा थोड़ा बहुत जो नुकसान होना है, जैसे कि अडानी अंबानी के बारे में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो लोग हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अंबानी इस वक्त में नरेंद्र मोदी है, और अडानी अंबानी के पास में अगर काला धन है तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। देखिए, कानून बिल्कुल साफ कहता है, काला धन रखना और काला धन किसी को देना दोनों अपराध हैं। अब कांग्रेस पार्टी को काला धन अगर अडानी दे रहे हैं, अंबानी दे रहे हैं, तो इसका मतलब काला धन अंबानी और अडानी के पास पहले से है, और काला धन रखना अपराध है। काला धन अगर कांग्रेस पार्टी ले रही है तो भी अपराध कर रही है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस बात को कह सकते हैं कि ये काला धन जो अडानी और अंबानी के पास में है उनके ऊपर कोई शिकायत होगी, उनके ऊपर कोई एफआईआर होगी, उनकी क्या गिरफ्तारी होगी? नरेंद्र मोदी जी बड़ी ही चतुराई के साथ में इस मुद्दे को पेंट करने में लगे हुए हैं। उनको अच्छे से पता है कि ये जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा भले ही उनको कुछ हद तक, कुछ जो है वो समय के लिए लोगों में जग हंसाई का पात्र बना दे, लोग उन पर हंसने लगे, लेकिन अगर राहुल गांधी को वो संविधान, आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और राहत से अगर अंबानी अडानी पर ले आए तो फिर इस मुद्दे का भी वो राफेल जैसा हाल कर देंगे।
जैसे राफेल को लेकर के राहुल गांधी ने 2019 में चौकीदार चोर है राफेल को लेकर के जो मुद्दा बनाया, हालांकि 2019 का चुनाव जो है वो बहुत हद तक पुलवामा की वजह से भी चेंज हुआ था, लेकिन फिर भी जो राफेल को लेकर के राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया था वो मुद्दा लोगों के जहन में नहीं उतर पाया। लोगों को लगा कि हाँ राफेल एक जरूरी चीज है, देश के लिए एक बड़ा काम हुआ है और अगर उसमें कुछ गलत काम किया गया है या गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन लोग उसको अंदर हजम नहीं कर पाए, अंदर तक उतार नहीं पाए। लोगों को लगा कि पसंद है लेकिन जरूरी नहीं है। तो पसंद होना और जरूरी होना, ये दो बड़ी अहम चीजें हैं। अब नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश ये है कि अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी को ले आए। राहुल गांधी का अडानी और अंबानी फेवरेट सब्जेक्ट है। अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी अगर बोलेंगे तो 10 मिनट नहीं बोल पाएंगे और राहुल गांधी 10 दिनों तक लगातार बोल सकते हैं। तो अगर अडानी अंबानी पर मोदी जी कोशिश करेंगे तो वो एक सभा में 10 मिनट भी खर्च कर पाने में इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी अपनी 10 अलग अलग सभाओं में लगातार 10 दिनों तक इस बात को लेकर के चल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि लोगों को अडानी अंबानी से क्या हासिल होगा। सब जानते हैं कि अडानी अंबानी की हकीकत क्या है। किसान आंदोलन में लोगों ने देख लिया कि ये जो किसान कानून लेकर के आए गए थे वो किसके लिए लाए गए थे, उद्योगपतियों के लिए लाए गए। तो वो चीजें जो पहुंचनी थी लोगों तक वो ऑलरेडी लोगों के पास में है। अब लोगों को नई चीज चाहिए, लोगों को नई चीज चाहिए। और नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि बीजेपी की नेता एक तरफ अगर खुल करके बोल रहे हैं, कई नेताओं ने बीजेपी के और कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी के लगातार संविधान की आरक्षण की बात कही है, तो उसके बाद में लोगों को संविधान और आरक्षण से फर्क पड़ता है। दूसरी बड़ी बात, लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। भाजपा के कैंप में आप चले जाइए, भाजपा के कार्यालय में आप चले जाइए, लोगों से पूछिए महंगाई या बेरोजगारी है या नहीं है। लोग जिस तरीके से, कल भी मैं इटावा में बात कर रहा था लोगों से, तो लोग कह रहे कि नहीं महंगाई तो पहले से उतनी ही है, थोड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उनके दाम भी 10 साल के अंदर 3-3 गुना 4-4 गुना बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल को बात होती थी 35 रुपए बेचने की, लेकिन पेट्रोल डीजल 65 रुपए से अब 100 रुपए पर आ गया है। तो जो जरूरी चीज है उसको लेकर के आपके पास राहत क्या है? राहत बेरोजगारी से, महंगाई से आप कैसे आम लोगों तक पहुंचाएंगे, आम जो है वो लोगों की जिंदगियों में क्या फर्क लेकर के आएंगे, लोग उस बात का इंतजार कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए। लोग उस पर आपको सुनना चाहते हैं, और अगर आप उस पर नहीं बोलेंगे, अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी पर बोलेंगे, तो फिर आप अपने मुद्दे से डिरेल हो जाएंगे। और शायद नरेंद्र मोदी जी की कोशिश यही है कि भले ही उन्हें क्षणिक हानि हो जाए, थोड़ा उनको नुकसान हो जाए, आंशिक तौर पर थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन वो बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं, बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं। जहां पर संविधान आरक्षण, महंगाई बेरोजगारी और राहत की बात हो रही है, वहां पर जो लोगों का मन एकजुट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लोग इस चीज को जरूरी समझ रहे हैं, वहां से लोगों को हटा करके एक ऐसी चीज पर ला करके छोड़ दिया जाए जहां पर लोगों को गुदगुदाने के लिए तो बात सही लगे, लेकिन लोग उसको अंतर्मन में उतारने के लिए तैयार ना हो। और शायद नरेंद्र मोदी जी इस चीज को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो। अब वैसे भी एक बात यह भी कही जा सकती है कि जब अडानी और अंबानी इस सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में खूब फले फूले हैं, और अडानी के बारे में जो बातें लोगों के जहन में है कि अडानी और अंबानी का तो मोदी जी के साथ में गहरा रिश्ता है, गहरी दोस्ती है, तो गहरा रिश्ता गहरी दोस्ती जिसके साथ में होती है उनसे नाराजगी नहीं होती है, या फिर ये माना जाए कि सरकार बदलने की आहट वो उद्योगपतियों तक चली गई है, उद्योगपतियों को भी लग रहा है कि अब सरकार बदल रही है, और इसीलिए अंबानी अडानी वो भी कांग्रेस की तरफ चले गए हैं।
अंबानी अडानी को भी लगता है कि नहीं अब बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, अब कांग्रेस की सरकार आ रही है या इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो जरूरी है कि हम इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएं और अपना काम धंधा पानी जो है वो उनके साथ में आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्या राहुल गांधी की ऐसी कोई मुलाकातें अडानी से हुई हैं जिसकी भनक या होने जा रही हैं, जिसकी भनक नरेंद्र मोदी को लग गई है और इसके बाद में उन्होंने अडानी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। कई तरीके की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में मुद्दे की बात कौन कर रहा है, चुनाव में आम लोगों की बात कौन कर रहा है और चुनाव में जो जरूरी चीजें हैं उन पर फोकस किसका है। राहुल गांधी क्या इस पूरे चुनाव को वहां पर फोकस करके रखेंगे जहां पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं, या राहुल गांधी इस पूरे चुनाव को जिस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है और बीते एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ऐसा लगता है कि बहुत सहज रूप से आगे बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी राहुल के रास्ते पर चलते हुए डगमगा रहे हैं। राहुल गांधी एक रास्ता बना रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी को पीछे पीछे उस रास्ते में आना पड़ रहा है क्योंकि उनको आगे निकलना है राहुल से। तो राहुल गांधी के रास्ते पर अब जातीय जनगणना पर अब नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते हैं, संविधान पर वो बोलते हैं तो उनके नेताओं के बयान उनको काउंटर करते हैं, आरक्षण पर वो बोलते हैं तो आरक्षण पर बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बयान उन पर भारी पड़ते हैं। तो राहुल का जो रास्ता है, नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर जब जाते हैं, उस रास्ते पर राहुल गांधी को काउंटर करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको दिक्कतें आ रही है, इसलिए वो दूसरा रास्ता राहुल गांधी के बगल के निकाल करके और राहुल को उस रास्ते पर लाना चाह रहे हैं। राहुल को उस रास्ते पर ला करके नरेंद्र मोदी वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए ये अडानी अंबानी वाली बात तुमने छोड़ दी है, जबकि हकीकत यह है कि अडानी अंबानी पर राहुल गांधी का लगातार फोकस है। अब सवाल यह है कि 3 चरण का मतदान हो चुका है, 4 चरण के मतदान अब बाकी हैं। नरेंद्र मोदी जी का पहला मुद्दा मंगलसूत्र का मुद्दा फुस हो चुका है, कहीं सुनाई नहीं दे रहा है, मोदी जी ने खुद उसका जिक्र करना छोड़ दिया है। उसके बाद में मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, भैंस उठा करके दे दी जाएंगी, ये चीजें भी अब नरेंद्र मोदी खुद छोड़ चुके हैं क्योंकि लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। अब वो नई चीज निकाल करके लेकर के आए हैं अडानी अंबानी, और अगर अडानी अंबानी को यहां पर कांग्रेस पार्टी और या विपक्ष के नेता उसको चिपकाने का काम ना करें, बोलते रहें उस पर, जागरूक करते रहें उस पर, लेकिन चुनाव मुझे लगता है अंबानी अडानी लोगों का मुद्दा नहीं हो सकता है। अब अगर यह भी फुस हो गया तो सवाल यह है कि 4 चरण और बाकी है, इन 4 चरणों में नरेंद्र मोदी जी अब आगे क्या करेंगे, और अभी तो जो 4th चरण है वो 13 तारीख को है तो उसी में ही अभी 4 दिन बाकी है, तो उससे पहले अगर ये अंबानी अडानी भी फुस हो गया है, हालांकि जो अभी तक प्रतिक्रिया में देख रहा हूं उसके हिसाब से, आप लोगों के जो कमेंट में देखता हूं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि लोग इस चीज को समझ तो गए हैं लेकिन इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन इस पर क्या रणनीति अपनाता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।